पन्ना जिले के नगर अमानगंज में जल संकट गहराता जा रहा है। नगर की एकमात्र नदी पूरी तरह से सूख चुकी है। वहीं नगर परिषद अमानगंज द्वारा घर घर टैंकरों के जरिए लोगों तक पानी पहुंचाकर उनकी मदद की जा रही है। आप लोगों ने इसकी शुरुआत की है, हम चाहेंगे कि इसको आगे भी जारी रखें और इसमें अच्छा काम करें और जल संरक्षण के लिए शासन वगैरह हर स्तर पे काम कर रही है। तो हम भी चाहेंगे कि ये जो अमानगंज में जल समस्या है तो समाधान होता रहे और ये जो काम जो आपने इनिशिएटिव लिया है इसको एक मुकाम तक पहुँचाए। जन भागीदारी से करने की कोशिश करेंगे, आसाम में इसके संबंध में बैठक कुछ चर्चाएं भी करेंगे गणमान्य नागरिकों से और जितना भी होगा जिस तरीके से सहयोग हो सकता है श्रम से तन मन धन से जिस तरीके से भी जो सहयोग करेगा उसमें इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आज जो शुरुआत हुई है इसकी शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है क्योंकि मीडिया ने जनप्रतिनिधियों ने और प्रशासन ने मिल के ये शुरुआत की है तो इस कार्य को हो सकता है अंजाम इस बार मिल जाए और जी कार्य जन भागीदारी से हो इसके लिए नगर पालिका ने 1,00,000 रुपए सबसे पहले देने की। नई सराय में गत दिवस माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड भोपाल के द्वारा वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। नई सराय गांव की कक्षा 10वीं की छात्रा उपासना रघुवंशी ने 97.8% अंक हासिल कर 7वीं रैंक लाकर मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया। उपासना रघुवंशी ने 500 में से 499 अंक हासिल